पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार बने नू हले दो ही महीने होए ने ते विधायकां दीआं विकटां डिगणियां शुरू हो गईआं ने। करप्शन केस दे विच आम आदमी पार्टी दे लीडर फसदे जा रहे ने, उस करप्शन केसां दे विच जिस च दावा करदी आम आदमी पार्टी कि जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। आखिरकार हुण भविख की है आम आदमी पार्टी का, विरोधी पार्टियां किस तरीके नाल देखदियां ने आम आदमी पार्टी की सरकार नू, इस दे बारे असीं गलबात करदे हां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ने दीवान अमित अरोड़ा जी। गलबात करदे हां सर, स्वागत है तुहाडा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, जिस तरीके नाल आपां देखिए कि दो ही महीने होए ने ते आम आदमी पार्टी के विधायकों दीआं विकटां डिगणियां शुरू हो गई, ना सिर्फ विधायकों दीआं मंत्री आउट होने शुरू हो गए ने, किवें देखदे हो डॉक्टर विजय सिंगला नू आम आदमी पार्टी ने बरखास्त कर दिता कैबिनेट चों? देखो, ऐसा है कि डॉक्टर विजय सिंगला जिहड़े कि इन्हां दे कैबिनेट मंत्री सी, पहली गल तो यह है कि इन्होंने बाहरलियां स्टेटां जिथे चुनाव होने हैं उत्थे इन्होंने बड़े जोर शोर दे नाल अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी ने जाके प्रचार किया कि जी असी दसां दिनां दे विच भ्रिष्टाचार खत्म करता, लेकिन मूँह बोलदा प्रमाण सामने आ गया। ठीक है, इन्दा मतलब सरकार दी कोई स्क्रीनिंग नहीं है, और स्क्रीनिंग इत्थों तक भी नहीं है, ये अपने आप नू केजरीवाल जी प्रधानमंत्री मोदी दे नाल मिला रहे हैं और अपने आप नू प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगले प्रधानमंत्री दे तौर पर। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो स्पष्ट निर्देश दिते अपने मंत्रियों नू, केंद्रीय मंत्रियों नू ते सारे सांसदां नू कि अपना कोई रिश्तेदार जिहड़ा वै वो ना OSD रखना वै ते ना ही PA रखना जी। ते भगवंत मान ते केजरीवाल सुते हुए सी जिस वेले डॉक्टर विजय सिंगला ने अपने भांजे नू OSD लगाया सी, भ्रिष्टाचार तो उदों शुरू हो गया। पर उन्होंने नाल संदेश भी तो दे दिता ना, जेकर किसी ने भ्रिष्टाचार किया तो उसनू बाहर का रास्ता दिखा दिता गया। देखो ऐसा है, इस कार्रवाई नू किवें देखदे हो, एप्रीशिएट करोगे भगवंत मान दी इस कार्रवाई नू? देखो ऐसा है कि अजे तिकन तां सबूत नहीं उन्होंने पेश किए, जां तां जिन्ने भी सबूत है उन्होंने सर्वजनिक करन जी। फिर डेमोक्रेसी है, तुसी एक मीडिया पंजाब केसी एक बड़ी वड्डी बुलंद आवाज है, उन्होंने चाहिए सी कि डॉक्टर विजय सिंगला का भी पक्ष मीडिया के सामने लिया जाता रखा जी। असं जगबाणी ने भी चलाया, उस डॉक्टर विजय सिंगला कह रहे हैं कि मेरे नाल धोखा होया और पार्टी के नाल धोखा होया, जान बुझ के फसाया गया। ऐसा है, मैं सबूतों की गल कर रहा, जिहड़े सबूत सरकार भी सर्वजनिक करे और उन्होंने सबूतों ते दूसरे पक्ष का भी जिहड़ा वै वो बयान सामने आना चाहिए, अजे तिकन सब कुछ अंधेरे दे विच। पर वो तो पुलिस नूं दिता जाऊगा ना जो भी है। जो भी है जी। देखो बाकी मामलों के विच तां इह पुलिस कोलों लीक करवा देंदे आ। तुसीं मैनूं दसो कि सुच्चा सिंह छोटेपुर ते इन्होंने कहा सी जी साडे कोल रिकॉर्डिंग है, बिल्कुल वो भी कोई सामने नहीं, उहदी प्रधानगी नूं तो लाता गया, लेकिन अजे तक उहदा कोई प्रूफ आया, सर्वजनिक हुई कोई गल? सो एक बड़ा वड्डा इहदे विच चोल है। मैं समझदा किते ना किते डॉक्टर विजय सिंगला ने अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट सैल्फ कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मुख्यमंत्री CM या दिल्ली वालियां दे किते कोई कहना नहीं मन्या, और एक कार्रवाई जड़ी है ये उस चीज़ का ही परिणाम है। और वैसे जो दो महीने की सरकार है तुसी उसनू किवें देखते हो, जो हुण तक कामकार हुए ने? देखो ऐसा है कि फिर भ्रिष्टाचार की कार्रवाई सारिया के करो ना, अज करोड़ों रुपए केंद्र सरकार वालों स्मार्ट सिटी फंड आए, जिन्हें भी पंजाब के प्रमुख महानगर है केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए भेजे, कल्ले जलंधर के 350 करोड़ तो वध आया, कुल मिला के 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार वालों आया जी। लेकिन जलंधर के तुहानू किते कोई स्मार्ट चीज़ नज़र आ रही है? पर जिस तरीके 2014 के मोदी सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू किया, 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाने ने देश, BJP लीडर होने के नाते तुसी ये दसना चाहोगे कि हुण तक देश किन्ने स्मार्ट सिटी बन चुके ने? देखो गल यह है कि जिहड़ियां तां BJP रूलिंग स्टेट्स है तुसी उत्थे जाके देखो काया पलट गई, तुसी अज UP देखो
हर लिंक रोड तुहानू ऐसा नज़र आएगी कि सिक्स लेन हाईवे तुसी अज अमृतसर तो चलो तुसी अंबाला हरियाणा एंटर करो अगे यूपी एंटर करो अज देहरादून तक तुसी पांच घंटे दे विच चार घंटे दे विच पहुँच दे। लेकिन इस तो पहले की हालत सी, साफ डिफरेंस जिहड़ा वा उह पता हुंदा है। यही कारण है जे स्मार्ट शहर बने, स्मार्ट सड़कां बनियां, स्मार्ट सिटी बने तो लोगों ने याद की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असाम और गोवा दे विच साडी पार्टी नू, भारतीय जनता पार्टी नू जेतू बनाया। सर जिस तरीके नाल देश से तुसी कह रहे हो विकास बहुत ज़्यादा होया तो इसे कारण होर स्टेटां दे विच बीजेपी सत्ता दे विच आई तो कई दोबारा भी उन्होंने इलैक्शन जितया, ये फिर पंजाब दे विच ऐसा क्यों नहीं दोहरा सकी बीजेपी अपना रिजल्ट? पिछली सरकार भ्रष्ट सरकार सी कांग्रेस की, जिन्ना भी फंड आया स्मार्ट सिटी का पिछले पंजा सालों के आया, तुसी देखो कि 400 तो वध अवैध कलोनियां कल्ले जलंधर शहर के डिवेलप हुई। कि यह भ्रिष्टाचार नहीं? इस भ्रिष्टाचार को कौन उजागर करूँगा? अज आम आदमी पार्टी के 2 MLA है जलंधर के, लुधियाना स्मार्ट सिटी, अमृतसर स्मार्ट सिटी का फंड आया। सो कल कि इस चीज़ की जाँच कौन कराऊगा? ये भी तो भ्रिष्टाचार ही है ना। अज अवैध कलोनियां बन गई, इस चीज़ की जाँच कौन कराऊगा? देखो भ्रिष्टाचार की कार्रवाई पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। असी जी अपना मंत्री लाता, उन्होंने अरैसट कर लिया, पहले तो कहते ही 10 दिनों च भ्रिष्टाचार खत्म। हूँ इन्होंने यही प्रचार है, सिर्फ चुनावी स्टंटबाजी है जी। लेकिन वास्तविकता असी तद मनांगे भी भ्रिष्टाचार के प्रति तद जीरो टॉलरेंस है इन्हों की, कि भी इन्हों के 3 MLA जिहड़े है उन्हां दे प्रमुख आरोप लगे है जी। एक इन्हों का MLA गजन माजरा 40 करोड़ की बैंक के नाल बैंक ऑफ बड़ौदा के नाल धोखाधड़ी, दूसरा MLA डॉक्टर बलबीर सिंह 3 साल की सजा, बिल्कुल 3 साल की सजा, तीसरा डॉक्टर विजय सिंगला। तुसीं मैनूं दसो कि भी इन्ने ईमानदार है, भ्रिष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो इन्हों आम आदमी पार्टी तो बाहर क्यों नहीं कढ़िया? इन्हों विधायक पद तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया? फिर अपनी ईमानदारी 100% दिखाओ ना। जे मैसेज देना पब्लिक नूं तो फिर पूरा मैसेज दियो। इस तों अलावा संगरूर जिमनी चोण दा भी ऐलान हो गया, 23 जून नूं वोटां पैणियां ने। बीजेपी तैयार है इलैक्शन लड़न लई, क्योंकि जो विधानसभा चोणां होईआं सी उहदे विच तां रिजल्ट बहुत ज़्यादा चंगे नहीं सी। देखो ऐसा है कि विधानसभा लोकल बॉडीज और लोकसभा चुनाव एक अलग अलग व्यवस्था होंदी है और एक अलग परिप्रेक्ष्य दे विच लड़िया जाता। लोकसभा चुनाव नेशन दे नाल रिलेटेड है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। निश्चित रूप दे विच सारे चुनाव जिहड़े लड़न दा जिम्मा जिहड़ा वा इह पार्टी अपने सिर ते चकदी है और चकदी रहेगी। ग्राउंड लैवल ते काडर है संगरूर दे विच, क्योंकि संगरूर जिहड़ी सीट है लोकसभा दी, उत्थे भावें तुसीं भाईवाल सी अकाली दल दे नाल, अकाली दल लड़दी सी उत्थे। देखो ऐसा है कि इस वेले सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी होवे पंजाब च जी, और 2 महीनों दे विच लोकां दा मोह भंग होया। तुसीं कदी ऐसा मैनू नेता पंजाब दे विच कोई ऐसा व्यक्ति तुहानू नज़र आया कि जिन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन की होवे? भारतीय जनता पार्टी दे विच बड़े बड़े नेता शामिल होए और बड़े बड़े कद दे शामिल होए है। इत्थों ये पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इस पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण जिहड़ा वा वह अजे भी कायम। सुनील जाखड़ दे पार्टी च शामिल होने दे नाल कोई फायदा मिलेगा बीजेपी नूं? देखो ऐसा है कि राजनीति दे विच लाभ हानि कई बार नहीं देखी जाती। सुनील जाखड़ राष्ट्रवादी नेता ने, बेदाग नेता ने, उन्हां ते किसी चीज़ का कोई दाग नहीं है। पर मैं समझदा वा कि राष्ट्रवादी ताकतां नूं कांग्रेस पसंद नहीं करती। तुसी देखो कि पंजाब दे विच सिर्फ पंजाबीयत की गल की जाती,
पंजाब दे विच हिंदू सिख भाईचारा एक है और कांग्रेस ने अपने ही सबका प्रधान सबका सांसद ते धर्म के नाँ ते टिप्पणी करना भी पंजाब दे विच एक हिंदू सीएम नहीं बन सकता। वो पूरे हिंदू समाज का अपमान सी। सो यही पीड़ा जिहड़ी वह सुनील जाखड़ के मन दे विच सी और उही चीज़ उन्हां दे मन दे अंदर जागी कि क्यों ना मैं राष्ट्रवादी पार्टी दे नाल जुड़ा, क्यों ना मैं उस पार्टी दे नाल जुड़ा जिहड़े मेरे धर्म नूं सन्मान दिंदी आ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दे विच तां सारे धर्मां दे लोग, सही मायने दे विच जे कोई सैकुलर पार्टी है हिंदुस्तान दे विच तां उह भारतीय जनता पार्टी है। तुसीं देखो गुलाम नबी आजाद का बयान, वो कहिंदा मेरे पूर्वज जिहड़े आ उह पहले कश्मीरी पंडित सी। और यही गल जिहड़ी है वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी कह रहा वै और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही कि भी हिंदुस्तान दे विच जिन्हें भी मुस्लिम कम्यूनिटी के लोग है, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग है, अल्पसंख्यक अपने आप नूं अज कह रहे है, इन्हां दे पूर्व जिहड़े आ उह हिंदू हैगे सी। अच्छा, तुसीं जथेदार दे बयान नूं किवें देखदे हो? उन्हां दा साफ तौर पर कहना कि सिखां नूं मॉडर्न हथियार रखने चाहिए ने, सहमत हो तुसीं? सिखां नूं जरूरत है हथियार रखने की, हर सिख नूं? देखो ऐसा है कि जथेदार साहब ने मीरी और पीरी की गल की, जिस वेले मीरी पीरी का गुरु साहबान ने सिद्धांत लिया सी उस वेले मुगलों के नाल लड़ाई सी। अज की दे नाल हथियारों की लोड़ पवे, अज पंजाब दे विच उन्हां नूं इह गल क्लीयर करनी चाहीदी सी जथेदार साहब नूं कि अज लड़ाई बुराई के खिलाफ है, बुराई और अच्छाई के खिलाफ है और सानू बाणी दे नाल जुड़ के, सानू गुरु साहबान दे नाल जुड़ के ये गल उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि अपनी रख्या वास्ते। लेकिन नाल उन्होंने कहना चाहिए सी कि सारे पंजाबियों उन्होंने एक संप्रदाय बारे या एक समुदाय की गल नहीं सी करनी चाहिए, उन्होंने सारे पंजाब। हाँ, असी साडे गुरु की कहिंदे आ सरबत दा भला, इहदा मतलब असी अपने गुरुआं दे दित्ते होए जो ज्ञान आदर्श है, जो ज्ञान है, जो उन्होंने सानू सिखाया है गुरुआं नू, असी उन्हें तो पिछे हट रहे हैं। पंजाब दे विच हर परिवार दे विच हिंदू सिख भाईचारा, हर परिवार, जे एक भरा सिख है तो दूजा भरा हिंदू है, जे पिता सिख है तो बच्चे हिंदू है, असी किस तरह अलग करके देख सकते हैं? इहदा मतलब जे तुसी कहिंदे हो कि वी सारे सिख जिहड़े है वह हथियार रखन, इहदा मतलब पिता अपने बच्चों के खिलाफ हथियार चकूगा, भरा एक भरा अपने दूजे भरा के खिलाफ चकूगा, असी तो परिवार के विच लड़ाई जिहड़ी है वह शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी की 2 महीने की सरकार है, उसनों तुसी अगर 10 विचों नंबर देने हुण तां किन्ने नंबर देना चाहोगे? कोई काम तो होगा जो चंगा किया हो? देखो ऐसा है कि मैं 0 नंबर देंगा। कोई काम सरकार ने हाले तक ऐसा नहीं किया है कि इन्होंने तो कोई काम ही पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया कि हर हालत दे विच इन्होंने फार्म भरवाए थे कि 300 यूनिट बिजली 24 घंटे फ्री दी जाऊगी, 24 घंटे का वादा किया। मैं दसो 60 दिनों के 24 घंटे बिजली मिली कट लगती है, किसी इंडस्ट्रीज नूं मिली, किसी किसान नूं मिली? नहीं मिली ना। इन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब ने कि जिस दिन सरकार बनी आम आदमी पार्टी की कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। पिछले 60 दिनों 24 तो वध किसान आत्महत्या कर गए। सर, आम आदमी पार्टी का ही बयान है कि समाज में बड़ी कुरीतियां सी जो पुरानियां सरकारों तो चलदी आ रही सी, असी सफाई करनी शुरू की है अपने ही घर तो, इस करके असी सब तो पहले जिहड़े MLA सीगे उन्होंने कहा कि जो आप तुसी कमाई कर दे उदा टैक्स तुसी आप भरो, सरकार नहीं भरूगी, असी सफाई अपने तो शुरू की। इन्होंने गरंटियां दित्तियां, वह कित्थे खड़ियां? ये भी तो गरंटी सी ना कि कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनूगी। बिल्कुल। हुण जे तुसी अज
एक कां टंग के डॉक्टर विजय सिंगला अरैसट कर लिया अपना कैबिनेट मिनिस्टर तुहाडे जिहड़े असली गरंटियां दे मुद्दे सी उन्हां दा तुसीं भटका रहे हो लोगों नूं उन्हां दा ध्यान भटका रहे हो तुसीं महिलावां दे खाते च 1000 रुपया नहीं पाया तुसीं 24 घंटे बिजली नहीं दित्ती फेल होए फिर तुसीं तुहाडा मुफ्त बिजली देने का जिहड़ा फार्म सी किते नहीं लिखिया सी कि 301 यूनिट होगी तो सारे पैसे देने पैणगे धोखा लोगों के नाल लोग अपने आप नूं ठगे महसूस कर रहे कोई होर ऑप्शन भी तो नहीं हैगी लोगों को ऑप्शन कौन सी है फिर देखो इन्होंने भी कहा बीजेपी ऑप्शन बन सकती है फ्यूचर च बीजेपी ऑप्शन बन सकती है इन्होंने भी कहा कि किसानों का असी पूरन कर्जा माफ करांगे इन्होंने पिछले दिन ही चंडीगढ़ के तीन मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए दिल्ली के तेलंगाना के ते पंजाब के इन्होंने गलवान के शहीदों श्रद्धांजलि दिती उन्हां नूं सहायता दिती जिहड़े किसान शहीद होए उन्हां नूं भी इन्हां ने सहायता दिती लेकिन जिहड़े किसान आत्महत्या कर गए पिछले 60 दिनां च उन्हां दी सहायता क्यों नहीं कीती तुसीं देखो कि एक साल दिल्ली दीआं बरूहां ते किसान अंदोलन कर रहे सी केंद्र सरकार ने एक भी लाठी किसी किसान ते नहीं बरसाई तो पंजाब सरकार बंदियां ही पहले हफ्ते बठिंडे दे विच किसानां दे लाठीचार्ज होया देखो ये जदों जिथे तुसीं कहोगे कुछ करोगे कुछ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो बहुत ही देर नहीं चलता ये व्यवस्था जिहड़ी है लोग जिहड़े आ बड़े सियाने हैं लोग पढ़े लिखे है तुसीं मैनूं दसो कि अज हर डिपार्टमेंट दे विच भ्रिष्टाचार है जी अज जे भ्रिष्टाचार खत्म होया हुंदा तां रेत जिहड़ी है वह तीन गुणा रेट ते अज विक रही है क्यों विक रही है इन्होंने की किया सी कि 1500 की ट्राली मिलेगी अज 10000 की ट्राली है इन्होंने कहा कि नशा खत्म होगा असी 20 दिनों नशा खत्म कर देंगे होया खत्म तुहाडे सामने है नहीं साडे कोल तां वीडियोज़ लगातार आंदियां ने तुहाडे सामने है अगे नालों ज़्यादा मौतां हो रही हैं तुसी देखो ना वो कहंदे ना कि बाढ़ ही जब खेत को खाने लगे तो खेत कहाँ बचेगा देखो कि पुलिस अकैडमी दे विच खुफिया विभाग की बिल्डिंग ते अटैक हो रहा खुफिया विभाग दे ते अटैक होया ना वो तो इन्हां दी नगलीजेंसी है इंटैलीजेंस की नगलीजेंसी है फेलर है इंटैलीजेंस का लेकिन पुलिस अकैडमी दे विच नशे दीआं डोज दे नाल इन्हां दा हवलदार की डैथ होनी और उत्थों दी विभाग के पुलिस अधिकारी जिहड़े आ पकड़े जाने नशा बेचते नक्सल जिहड़ा है ये पुलिस तो ही शुरू हुंदा प्रशासन तो ही शुरू हो रहा है प्रशासन की इनवॉल्वमेंट है तो बीजेपी इस लिए की कर रही है लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ कर रही है फिर देखो ऐसा है कि अजय क्योंकि कले आरोप लगाना कि वो बंदा गलत है उस दे नाल समाज का सही नहीं होगा ना अजय 60 दिन दे विच इन्हां दीआं गतिविधियां इन्हां दीआं पॉलिसीज एक की कर रहा है क्योंकि जो इन्होंने गरंटियां दीतियां सी वह तक कोई भी इन्होंने पूरी नहीं यानी वेट एंड वॉच दी सिचुएशन विच ठीक है ना अजय मैं समझदा वा कि इन्हां नूं होर टाइम दिता जाना चाहिए ठीक है और ऐसा टाइम आएगा हुण चुनाव डिकलेयर होया असीं अंदोलन भी करांगे असीं पिछे जिहा रोस प्रदर्शन भी किया जी सारे जिलों के भारतीय जनता पार्टी ने जी इन्हां दीआं नीतियां दे खिलाफ तुसीं देखो कि पंजाब की पुलिस का इस्तेमाल दूजियां स्टेटां च करना बिल्कुल इस तो बद बेशर्मी वाली गल की हो सकती है सो ये जिहड़ा अज हर व्यक्ति जिहड़ा अज दुखी है पंजाब का हर पंजाबी हर व्यक्ति जिहड़ा दुखी है और ये जिहड़ा कल काम किया इन्होंने डॉक्टर विजय सिंगला नूं गिरफ्तार करना ये लोगों का ध्यान असली मुद्दों तों भटकाने वाली
जी बहुत बहुत शुक्रिया ये अपने विचार जगबाणी ते रखण दे लई बहुत बहुत शुक्रिया सर ठीक है होर नवीं ते ताज़ियां खबरां लई तुसीं देखदे रहो जगबाणी टीवी धन्यवाद देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहण लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो नाल दी नाल हर नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ जेकर तुसीं इह वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तां इस नूं लाइक जरूर करो और ज्यादा तों ज्यादा शेयर भी करो धन्यवाद